लास्ट अनबॉक्सिंग वीडियो ऑन दिस चैनल, लेकिन उससे पहले अपन दाढ़ी बना लेते हैं। फीलिंग गुड। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। आज के वीडियो में ना ही कोई बाहर की हरियाली होगी, ना ही कोई सुहाना मौसम होगा, ना ही कोई आपको सिनेमेटिक शॉट्स देखने को मिलेंगे। आज जो भी बातें होगी वो सारी इस चार दीवारी के बीच में होगी। तो प्लीज़ अपनी तशरीफ लाइए और उसको किसी अच्छी जगह पर टिकाइए और वीडियो का मज़ा लीजिए। ये चीज़ मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बाद में मुझे गालियाँ ना दो, मुझे बहुत डर लगता है गालियाँ सुनने से। तो ठीक है, शुरू करें अपन। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो तरुण के व्लॉग्स। तो कुछ दिनों पहले, बहुत ज्यादा दिन हो गए वैसे उस बात, तो कुछ बहुत ज्यादा दिनों पहले मैंने अमेजोन से एक जूता परचेज किया था। इंग्लिश से बात में थोड़ा वजन आता है। मैंने अमेजोन से एक शूज परचेज किया था। सब पहली बार हुआ है कि मैंने किसी चीज को खरीदा और इतने दिनों तक मैंने उसको खोल के देखा तक नहीं। और अभी तुमको पता है यार, बीच में भी मेरे साथ कितने सारे स्यापे हुए हैं, तो यार फीलिंग नहीं आ रही थी। और अभी तुमको पता है कि तुम्हारा भाई जो है ब्लॉगर भी बन गया है, तो अपन खाने पीने, हाँ जो तुम समझ रहे हो, वो तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैं क्या खरीद रहा हूँ वो चीज भी आपको दिखाना बनता है, ये तुम्हारा हक है। तो इतिहास में पहली बार तरुण के ब्लॉग्स चैनल पर होने जा रहा है अनबॉक्सिंग वीडियो। क्या आप तैयार है? कोई तो बोलो, सपोर्ट ही नहीं करते हो तुम लोग। फिर से ट्राई करते हैं, क्या आप तैयार है? जाओ यार, तुम साथ ही नहीं देते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो। लेकिन उससे पहले, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में भी मैंने इतना मोटा वाला जैकेट पहन रखा है और ऊपर से पंखा भी बंद कर रखा है तुम्हारे लिए। लेकिन कोई नहीं, गर्मी इज टेम्परली और स्वैग इज परमानेंट। तो अभी ज्यादा बातचीत न करते हुए करते इस बॉक्स को अनबॉक्स। वही कहते हैं ना इंग्लिश में, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, तेरी सकल आईने में देख, सस्ता जोक। ठीक है, पहला बॉक्स अपन ने खोल लिया। अब ये सेकंड बॉक्स जो है, इसके अंदर है वो चीज, वो अमानत, वो डेटेड डेज, जो भी होता है वो। ये जो मैंने शूज मंगाया ये है कॉनवर्स कंपनी का, काफी बड़ी कंपनी है वैसे, अगर तुमको ना पता हो तो मैं बता दूं। ये शूज मेरे को मिल रहा था अमेजोन पे 2526 के ऑफर चल रहा था, तो उस वजह से मेरे को 1800-2000 कितना पड़ा था यार, मेरे को याद नहीं, काफी दिन हो गए ना इसको खरीदे हुए इसलिए याद नहीं आ रहा। इसके अंदर जो स्नीकर्स है वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है और उनका ट्रेंड कभी खत्म होना नहीं है। शायद हम जब तक बुढ़े हो जाएंगे तब भी उसका ट्रेंड कभी खत्म होगा नहीं। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस डब्बे को भी हटाते हैं और निकालते अपना जो आखिरी प्रोडक्ट है उसको। वैसे मेरे को पता है कि तुम अभी बोलोगे कि भाई ये बहुत पुराना पैटर्न है, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, पता नहीं मेरे को ये डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। मेरे पैरों का साइज बहुत बड़ा, हाथी वाले पैर है तुम्हारे भाई के, तो उस वजह से पता है मेरे को ऐसे सूट लाइन मार्केट में तो कभी मिल ही नहीं पाया। जितने भी मेरे सूट वगैरह मैं पहनता हूँ, खरीदता हूँ अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, तुमको भी खरीदना है तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा वाले डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो मुझे आता नहीं है, कड़वा सच। तरुण भाई तेने जूते ऐसे ही दिखा दिए, कम से कम कुछ तो सिनेमेटिक शॉट बना, स्लोमो वगैरह दिखा, मजा नहीं आ रहा है यार देखने में। तो रुको जरा, सबर करो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, वीडियो के आखिरी में तुमको शायद स्लोमो देखने को मिले या फिर सिनेमेटिक शॉट देखने को मिले। फिलहाल के लिए बताओ कि जूते कैसे लग रहे हैं। तुम अगर बोलोगे ना अच्छे भी लग रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने खरीद लिए, प्लीज तारीफ करना, अच्छा लगता है। तो मैं इनको पहन के देख लेता हूँ। वैसे ये जो मैंने साइज मंगाया ना, पता है तुम भरोसा नहीं करोगे, इसका साइज है 11 नंबर, आया था ना हाथियों वाला पैर। तो ठीक है, इनको पहन के देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पैरों को धो के आ जाता हूँ, क्योंकि 2000 का जूता भाई साहब, थोड़ी तो इज्जत करो इसकी, थोड़ी तो इज्जत करो। तो एक मिनट में मैं गया और एक मिनट में आया, दो मिनट रुको। ठीक है, मैं पैर धो के आ चुका हूँ। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए हमने मोजे भी पहन लिए, एक जोड़ी मोजे तो मेरे साले उन कुत्तों के पिल्लों ने फाड़ दिए। कुत्तों को देखते हैं कैसा फील आता है पहनने के बाद। टन टन नन, डांस करके देखता हूँ इसमें डांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गई जूते के रिव्यू बात, अब बारी है
कुछ सिनेमेटिक शॉर्ट्स देखने की। मैंने पहले मना किया था कि मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, जो भी बात होगी इन चार दीवारी के अंदर होगी, लेकिन मजा कैसा आएगा फिर। ठीक है, आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है, और सपोर्ट करो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए। आज की वीडियो में मैंने दो सिनेमेटिक शॉर्ट्स यूज किए थे, जो मैंने एक बाहर पार्क में शूट किया था और दूसरा मेरे घर के टॉयलेट में। किसी को बताना मत ये बात।